उफ, कितना टाइम रह गया है आखिर। मेरा तो भूख से मजीद दम निकल रहा है। बहुत लंबा नहीं हो गया रोज़ा आज? अल्लाह को मानो, आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है और रोज़ा भी टाइम से गुजर रहा है। तुम्हारा अभी से ये हाल है, कोई ना काम किया ना कुछ, और बैठी हुई हो के रोज़ा लग रहा है, रोज़ा लग रहा है। पर तुम्हारी जितनी हिम्मत नहीं है ना मुझ में, अब क्या करूँ, मैं छोटी हूँ ना। इतनी भी छोटी नहीं हो अब तुम ऐना। अच्छा ना यार, अच्छा बताएं आप लोगों ने क्या क्या बनाया है। बल्कि ना मैं खुद ही जाके ज़रा किचन का एक राउंड लगा के आती हूँ। ये दोनों निकम्मियाँ आखिर कर क्या रही हैं? अरे वाह वाह वाह, किचन में तो बहुत कुछ नज़र आ रहा है। जैस्मिन, क्या क्या बनाया है तुमने? यार मैंने ना अभी ये फ्रूट्स कट करके रखे हैं, पकोड़े तल लिए हैं। तुम देखो मैंने दो तरह के पकोड़े बनाए हैं, और जो है खीर जो है वो रोज़ी ने चढ़ा दी थी, बस वो भी एंड पर है। चना चाट जो है वो एनी ने बनाई है, और पिंकी जो है वो पिज़्ज़ा बेक करके गई है। तुम्हें पता है उसका तो बस एक बेकिंग का ही शौक है ना, और उसको वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तुम्हें पता है कि काशी भाई और साकी भी आने वाले हैं। शहरी भाई की तो शायद तबीयत ख़राब है, बल्कि हाँ साकी का भी पता चला है कि वो भी नहीं आएंगे। उनका भी शायद ऑफिस का कोई इशू है, छुट्टी वगैरह नहीं मिली। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। चलो मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं तो शिद्दत से अजान होने का वेट कर रही हूँ कब मैं रोज़ा खोलूँ और पेट पूजा करूँ। हद है ऐना, भला थोड़ा इंतज़ार कर लेता है इंसान। रोज़े का मकसद ही क्या है सब्र, और तुम में तो सब्र नाम की चीज़ पैदाइश से ही अब तक नहीं है, है ना? अब ऐसी भी कोई बात नहीं है यार, बस यहाँ का वेदर थोड़ा मुझे शायद सूट नहीं करता। रहने दो, अरसा हो गया अब तुम्हें यहाँ रहते हुए, अभी भी तुम्हें वेदर सूट नहीं करता। अच्छा छोड़ो, तुम तो वैसे ही मेरे पीछे पड़े थे। बताओ ऐना कहाँ है? ओह सॉरी अपना ही नाम ले लिया। वो पिंकी कहाँ है? हाँ अब मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि तुम्हें वाकई रोज़ा लग रहा है। पिंकी नमाज़ पढ़ रही है, वो भी बस आती होगी। बल्कि नहीं, नमाज़ तो शायद वो पढ़ चुकी थी, वो कुरान पाक पढ़ रही है। सुनो बहन, कुछ दुआएं ना मेरे लिए भी मांग लेना। सारी के अपने लिए ही मांगूंगी। मैंने सबके लिए ही दुआएं मांगी हैं। तुम भी मेरी प्यारी बहन हो, तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छी अच्छी दुआएं मांगी हैं, बेफिक्र हो। ओह थैंक यू, तुम मेरी सबसे प्यारी दोस्त हो। अच्छा चलो मक्खन पॉलिसी नहीं करो, उठो मेरे साथ अफ्तारी लगाओ, टाइम होने वाला है। तुमने तो सिर्फ खाना ही है ना, बाकी काम तो हमने ही करने हैं। अभी जो है ना आखिर के बर्तन वो तुम ही धोगी, बता दिया है मैंने तुम्हें। नहीं करो यार। तो भाई अजान होने में थोड़ा सा ही टाइम रह गया है, जल्दी से लगाते हैं दस्तरखान, सब वेट कर रहे हैं। हाँ मैं भी यही सोच रही थी कि अब बस लगा देते हैं, 5 से 4 मिनट ही रह गए होंगे। क्यों जैस्मिन? अरे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह, देखो भाई अल्लाह ताला की तमाम नेमतें हमारे सामने हैं। हाँ यार वाकई मैं भी अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है, और बहुत बहुत शुक्रिया यार हम गरीबों को इफ्तारी कराने का। हाँ लेकिन यार शहरी होता तो और मज़ा आता, साकी भी नहीं है, दोनों को बुलाया था हालांकि। हाँ यार वो एक्चुअली एक को ऑफिस का काम पड़ गया, और शहरी की थोड़ी तबीयत नासाज है, वरना सब कुछ उसी ने ही खा जाना था। भाई मैं तो जो है इस वक्त शिद्दत से इंतज़ार कर रहा हूँ अजान का, क्योंकि इस वक्त जो है मेरी बैटरी होने लगी है डाउन। आप ही ना ऐना के ही कुछ लगते हैं, वो भी 5 बजे से हमारा सर खाया हुआ है, और जो है शुक्र है चलिए भाई अजान हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह कीजिए सर। चलो भाई बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।